खरगोन सीएमएचओ कार्यालय ने शनिवार को हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 48 नए व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए और 147 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। ज्ञात हो कि जिले में लगभग दो माह पूर्व 24 मार्च को 63 व्यक्ति संक्रमित हुए थे। इसके बाद लगातार संक्रमण की दर बढ़ती गई। सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुदामा नगर खरगोन निवासी 57 वर्षीय पुरुष की खरगोन में उपचार के दौरान 3 मई को मृत्यु हो गई थी। इनकी 2 मई को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। इस तरह जिले में कोरोना से संक्रमित कुल 13,502 मरीज हैं। इनमें 12,540 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं अब तक 215 लोगों की मृत्यु हो चुकी है एवं 747 मरीज स्थिर हैं। पिछले 24 घंटे में 1295 सैंपलों की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा 1427 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जिले में कुल 814 कंटेनमेंट एरिया हैं। अब 502 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।